सा रोका। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर के बाद से ही विपक्ष योगी सरकार पर लगातार हमलावर दिख रहा है। एक तरफ सरकार माफिया मुक्त प्रदेश और जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां सरकार को इस एनकाउंटर पर घेरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की और प्राइम टीवी से खास बातचीत भी की, जिसमें ये बताया उन्होंने कि प्रदेश अब भयमुक्त, माफिया मुक्त और अपराध मुक्त हो रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और सुतर गुलाम के एनकाउंटर के बाद विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को घेर रहा है। सरकार का पक्ष रखने के लिए इस समय हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मौजूद है। और ये बताइए कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, लगातार विपक्ष इस कार्रवाई पे सवाल उठा रहा है, अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक जो है, ये से एक महज फेक इनकाउंटर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म से जोड़ के इनकाउंटर को देखा जा रहा है, क्या आपको क्या लगता है, क्या पक्ष है? देखिए, बेवजह ये बहस छेड़े हुए, इससे पता चलता है कि ये मतलब पिछड़ा विरोधी है, निषाद विरोधी है। क्योंकि जब संदीप निषाद और उमेश पाल की हत्या हुई तो विपक्ष के मुंह से एक शब्द भी उनके पक्ष में नहीं निकला, न तो उनकी साथ संवेदना व्यक्त की, न उनके विधायक उनके घरों पर, उन्हीं के क्षेत्र में उनका सपा का विधायक। आज के दिन में इस तरीके अगर हमारी सरकार ऐसे अपराधियों को तुरंत सजा दिलाने के लिए आगे आ रही है, तो निश्चित रूप से अब ऐसे लगता है कि ये उन्हें संरक्षण देते थे, हम सजा दिला रहे हैं। और जो संरक्षण देता था उनके सहारे ये लोग अपनी सरकारें चलाते थे, तो ऐसे में उन्हें दर्द हो रहा है कि हमारे जो जिसके माध्यम से हम सरकार चलाते थे, जिसके माध्यम सत्ता में आते थे, अब वो सारा तिलसिल मामला टूट गया और सारे अपराधी मारे जा रहे हैं और जेलों के सलाखों में। हम स्टेप को धन्यवाद दूंगा, DSP को, अपनी सरकार को भी धन्यवाद दूंगा। अब फेक इनकाउंटर की एक लिस्ट जो है वो जारी हुई है, सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में बताए जा रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर सरकार पे बड़ा हमलावर है कि लगातार जो है, चाहे विकास दुबे की बात हो, चाहे ये स्कैंडल की बात हो, लगातार जो है वो विपक्ष हमला कर रहा है सरकार पे। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी लिस्ट आई है वो किस सरकार के समय की है, तो इसके मतलब इनकी सरकारें फर्जी तरीके से चल रही थी ना, जनता के साथ वादा करती थी, एक बार नहीं 30-30 साल तक पिछड़ों दलितों के साथ आई, तो पिछड़ों दलितों ने कह दिया नहीं, ये सब फर्जी काम है, फर्जी नाम से पिछड़ों का नाम लेते हैं, ये जब वोट लेना होता तो पिछड़े याद आते हैं, आज जब उनके साथ कोई घटना घटती है तो उनके लिए मुँह में कोई शब्द नहीं रहते हैं। तो ऐसे में इनके समय फर्जी होते थे, आज हमारी जो सरकार, हमारे जो सिपाही हैं वो सिस्टम से काम कर रहे हैं और न्यायालय के अधीन ला के काम कर रहे हैं। आपने देखा न्यायालय में आज के दिन में अतीक जी बंद है, क्या क्या कहते थे लोग, आज न्यायालय है। निश्चित रूप से 5 लाख का इनामी बदमाश था, उसे सरेंडर करना चाहिए। अगर उसे पकड़ने में 2 सिपाही मारे जाते हैं तो क्या चाहते हैं विपक्ष, कई अधिकारी मारे जाएँ? एक अधिकारी को बनाने में कितना समय लगता है? तो आज के दिन में अगर जवाबी कार्रवाई मारे जाते हैं तो ऐसे अपराधियों के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ विपक्ष को खड़ा रहना चाहिए। निकाय चुनाव को लेकर निषाद पार्टी की क्या रणनीति है? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, क्या कुछ रुक रहेगा इस चुनाव पर आपका? देखिए, हमारी सरकार हमारी पार्टी है, पार्टी चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए बनी होती है। जहाँ हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकते हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी को लिस्ट दे दिए, वो बड़े बड़े भाई हैं और बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे कार्यकर्ता जहाँ जीत सकते हैं वहाँ उन्हें अवसर दे लड़ें। मुख्यमंत्री लगातार सदन में भी बात करते थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वहीं जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो लगातार कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है तो प्रदेश दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगर खराब होती तो ऐसे अपराधी मारे जाते हैं? खराब तब थी जब ऐसे अपराधी संरक्षण पा रहे थे और हमारे समय में सजा मिल रही है, इसलिए आज के दिन में हम अपने लॉर्डर को, हम तो सारे पुलिस अधिकारी को भी, अपनी सरकार को धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खात्मा हो रहा है, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लखनऊ से नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी।
खबर बुलंदशहर से है, जहां कोरोना की जांच में रोजाना लगभग 10 मरीजों की संख्या की पुष्टि हो रही है। वही मरीजों का बढ़ता ग्राफ देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हुआ है। वही बुलंदशहर सीएमओ डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और बीते दो दिन पहले मॉक ड्रिल भी कराया गया था। तो वहीं जनपद में 5 आइसोलेशन हॉस्पिटल ऑक्सीजन और डॉक्टर स्टाफ से पूरी तरह से एक तैयार है। वह जिला अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है, जिसमें डॉक्टर से लेकर स्टाफ नर्सों और कर्मचारियों तक की ड्यूटी लगाई गई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने अपनी बड़ी गलती सुधार ली है। पहले तो गाजियाबाद में महिला मेयर सीट पर पुरुष प्रत्याशी की घोषणा कर दी, उसके बाद जब प्राइम टीवी ने नई खबर चलाई तो आनन फानन में प्रत्याशी ही बदल दिया। वही अब नई प्रत्याशी भी पार्टी नेता की पत्नी है। आपको बता दें कि पार्टी लगातार अपना मजाक उड़ा रही है। इससे पहले उन्होंने दयाराम भार्गव को मेयर प्रत्याशी घोषित किया था, जबकि गाजियाबाद में मेयर सीट महिला के लिए आरक्षित है। और आप हर जगह देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सब जगह कब्जे और 17 में से 14 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रही है। लेकिन आप देखेंगे अनंत वहां पे बिजली का, पानी का, सड़क का, नाली का, खड़ंजे का, इस तरह की तमाम विसंगतियां आज भी बनी हुई है, उसका निस्तारण जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाती है। अगर हमारी मेयर स्वयं तो भारतीय समाज पार्टी से आदरणीय जो है सविता यादव जी होती है, तो इन चीजों पे सविता यादव जी जनता के मुद्दों को लेके खड़े होने का हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। नाली का, खरंजा का, पानी का, सीवर का, जो जो लोगों की समस्या है उन समस्याओं पे काम करेंगे। नहीं, ठोस मुद्दे यही होंगे, गरीब जनता का इलाज कराएंगे फ्री में, राशन दिलाएंगे, रोड का, नाली का, खरंजा का, पानी का सब विकास कराएंगे, लोगों को समझाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गाजियाबाद मेयर पर प्रत्याशी नियुक्त बनाकर मुझे अवगत किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बहुत लाभकारी हूँ। अगर गाजियाबाद जनता मुंह पर मुझ पे भरोसा जताते हुए सीट स्वेल्दे भारतीय बहुजन समाजवादी जनता पार्टी। खबर शाहजहांपुर से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली एक पुल से नीचे जा गिरी। वहीं इस हादसे में कई लोगों के मरने की भी खबर सामने आई है। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग गर्रा नदी से जल लेने गए थे। वही चालक पुल पर ट्रैक्टर ट्रॉली मोड़ रहा था, इसी बीच ट्रॉली पुल से नीचे पलट गई। वही ट्रॉली में महिलाओं समेत तकरीबन 40 लोग सवार थे। हादसे में कई लोगों की मौत की भी खबर है। हम आज विशेष रूप से जैसे ही पता चला तो इसीलिए आए हैं। अभी तक 11 लोगों की डेथ हुई है जो कन्फर्म है, इसके साथ 25 लोग यहां पर इलाज करा रहे हैं। इसके लिए मैंने ख़ास तौर से बोल दिया कि किसी भी दवाई की कमी नहीं रहना चाहिए और जितने डॉक्टर्स अस्पताल में हैं सभी डॉक्टर्स को यहां बुला लिया जाए जी। और CMO भी यहीं पर जी देख रेख करें CMS के साथ में जी। और कोशिश यही रहेगी कि इन लोगों को अच्छे से अच्छे इलाज मिल जाए जी, क्योंकि डॉक्टर और दवाई ही इस वक्त इनके लिए सबसे बड़ा भगवान है। शासन की तरफ से 2 लाख का मुआवजा जितने भी मृतक हैं उनके जो परिजन हैं उनको दिया जाएगा जी। और बाकी जो भी शासन से जो अन्य नियमानुसार मुआवजा है वो मृतक घटना की जांच करके जो भी है वो कर रहे हैं। कहाँ चूक हुई है जांच करने के उपरांत घायलों की क्या स्थिति मैम देखिए? जो कुछ घायल जो है अभी सीरियस है, कुछ जो है खतरे से बाहर है और उनका इलाज जो है चल रहा है, उनको मैनेज किया जा रहा है कायदे से। और जो और भी सीरियस होंगे उनको मंडल स्तर आवश्यकता पड़ेगी तो बेस्ट चिकित्सा व्यवस्था जो है वो।
ग्राम सोनौरा के कुछ लोग थे जो यहाँ जल भरने के लिए किसी भागवत कथा के लिए, पूरी फैक्ट्री जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पूरे टकरा के और नीचे गिर गई। काफ़ी लोग इसमें थे गांव के, इसमें कैशुअलिटी भी हुई है, लोगों को चोट भी लगी है। अभी हम लोग CSC जा रहे हैं, अभी तक जो कंफर्मेशन आई है 6 लोग की आई थी, इनकी कैशुअलिटी हो गई है और 10 लोग करीब गंभीर रूप से घायल हैं जिनको वहाँ जिला अस्पताल भिजवाया गया है। सभी जगह पे जो व्यवस्थाएं हैं वो गियर्ड अप है, हमारे CO CT वहाँ मौके पर हैं सदर अस्पताल में इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए। रास्ते में रूट को क्लियर कराया जा रहा है कि ताकि जो घायल यहाँ से जाए उनको कोई समस्या ना हो अस्पताल तक पहुँचने में। और हम लोग अभी CSC जा रहे हैं, जो भी वहाँ पे इंतजाम करना होगा हम लोग इंश्योर करेंगे अधिक से अधिक लोगों का जीवन हम रक्षा कर सकें। हरदोई में पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में गांजा, कार और बाइक बरामद की गई है। बताया गया कि शहर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 स्थानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाली पुलिस द्वारा सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया था, जिसमें अलग अलग 2 स्थानों से कुल 14 किलोग्राम 250 ग्राम गांजा और 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इन 4 अभियुक्तों के पास 100 डिजायर कार और 1 अरब मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। गांजा कहां से कहां ले जा रहे थे ये अभी इनकी पूछताछ करके जानकारी की जा रही है और इसमें शीघ्र ही और खुलासा। हरदोई में महिला ने ब्लॉक प्रमुख पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ब्लॉक मुख्यालय प्रमुख बोले कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये फर्जी आरोप लगाया जा रहा है। वहीं इस मामले पर पीड़ित महिला ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की वो अध्यक्ष है और काम से ब्लॉक गई थी। इसी दौरान मौका पाकर ब्लॉक प्रमुख ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया, फिर मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के विरोध करने पर मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्द कहते हुए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है। क्या घटना हुई वहां पर आपके साथ? मैं समूह के जानकारी के लिए गए थे महिलाओं के लिए कॉलोनी के लिए, तो वहाँ पे खुशी वाजपेयी छत पे खड़े थे, तो मैं उनको वहाँ पर बुलाया कि यहाँ आओ, तो हम उसके कहे पे चले गए। तो हमसे कहा कि हम कॉलोनी दिलवा देंगे, हमको खोज कर दो। तो आपके साथ वहाँ पे क्या? तो हमारे साथ गलत कार के हैं, छेड़खानी किए, तो हम विरोध किए, हम तो हमको मारने पीटने लगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।